नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर के। बता दें कि राजस्थान में अभी तक कांग्रेस के द्वारा लिस्ट जो है जारी नहीं की गई है कि आखिर कौन से कैंडिडेट इस विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। इस बीच जो है कांग्रेस नेताओं की आपस में भी नहीं बन रही है। लगातार कांग्रेस के नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में उलझ हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच देखने को मिला कि कांग्रेस ऑफिस के बाहर से जाहिदा खान को टिकट दिए जाने को लेकर के भारी बवाल देखने को मिला। कांग्रेस के तमाम जो समर्थक और कार्यकर्ता रहे उन्होंने बकायदा कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल जाहिदा खान पर भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगा हुआ है और फिलहाल में वो गहलोत सरकार में मंत्री हैं। लेकिन इधर बीच अगर बात हम सीएम अशोक गहलोत की करें तो वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और माना यह जा रहा है कि आज किसी भी हाल में जो पार्टी की पहली लिस्ट है राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर के वो रिलीज हो जाएगी। दरअसल कुछ दिनों पहले ही सी वोटर के ओपिनियन पोल भी सामने आए थे जिसमें साफ तौर से बीजेपी के जीत के आसार साफ नजर आ रहे थे। ऐसे में इससे कांग्रेस की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस के खेमे में बात करें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत ये दो खेमा ऐसा है जो कि अभी भी माना यह जा रहा है कि इन दोनों ही नेताओं की आपस में सुलह नहीं हुई है और ये दोनों ही नेताओं के अलग अलग गुट है जो कि लगातार इस राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस आलाकमान के टेंशन को बढ़ा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान जब अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि बहुत लंबे समय के बाद आरपीसीसी स्क्रीनिंग कमेटी को जिलों में जाकर फीडबैक लेने को कहा गया। टिकट सर्वे और फीडबैक के आधार पर दी जाएगी। सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है, लोगों को हमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी विधायक के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो फीडबैक और सर्वे के आधार पर ही टिकट दी जाएगी। सुनिए अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। कांग्रेस कमेटी ने कल मीटिंग बुलाई थी मेंबरों की, काफी लंबे के बाद में प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो इलेक्शन कमेटी होती है हमारी, उनको बिल्कुल सबको अधिकार दिया गया। तमाम लोग जिलों में गए और जाके फीडबैक लेके आए, वो फीडबैक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया। कल अध्यक्ष जी ने सबको कहा इसके अलावा भी आप जाके जिलों में उसके अलावा क्योंकि आप पीसी मेंबर हैं, जिन सीटों पे देना चाहें आप अपना मत देना चाहें या चला जाना चाहें, अब आराम से दिल्ली आके दे सकते हैं। कमेटी के मिस्टर गौरव गोगोई जो चेयरमैन उनको दे सकते हैं, या अध्यक्ष जी ने कहा ना रात को 9 बजे तो मेरे पास भेज दो तो मैं आपकी वो की वो भावना पहुंचा दूंगा स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन के पास में। तो इस प्रकार संतुलित करके काम हो रहा है, बहुत स्मूथली काम हो रहा है। जो रिपोर्ट आई है सर्वे या फीडबैक आए हैं उसके आधार प्योरली उसके आधार पर टिकट मिलेंगे ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन सर एक बार एंटी इनकम्बेंसी का लगातार फैक्टर चल रहा है, आपको लगता है कि अधिकतर टिकट ज्यादा तो ज्यादा मेरी बात कुछ तो बात ज्यादा फैली गई है। जब सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है नंबर एक, कोई शिकायत किसी से नहीं है हम लोगों से, और नंबर तीन जब शिकायत एमएलए के करते हैं तो एमएलए के क्षेत्र में तो जाएंगे, ऑब्जर्वर जाएंगे गए हैं, एआईसीसी के गए हैं, उनकी रिपोर्ट आई है, जो सर्वे कंपनी है वो सर्वे कर रही है, हम लोग से फीडबैक लेते हैं, उसके आधार पर ही मान लो वही एमएलए का नाम आता मानते तो फिर कमेटी और हम लोग क्या कर पाएंगे, हमें तो फैसला वही करना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा टोटली क्या फीडबैक आता है उसके ऊपर, यानी कि सर्वे के आधार पे और विनिमिटी के आधार पे ही आप लोग विनिमिटी के आधार पे ही टिकट मिलेंगे सबको और स्क्रीनिंग कमेटी उसी को पैड देगी। आपको बता दें दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपों पर राजस्थान के जाहिदा खान को टिकट दिए जाने के बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने
एआईसीसी में विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया है। बता दें कि जयपुर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध दिल्ली पहुंच चुका है। कुछ ही देर में दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले ही ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस बैठक में कहा जा रहा है कि डिसाइड किया जाएगा कि राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर मंथन किया जाना है और आज ही ये लिस्ट फाइनल हो सकती है। बता दें मंत्री जहीदा खान के विरोध में कांग्रेस के दफ्तर में जोरदार विरोध और नारेबाजी जारी है। ये विरोध प्रदर्शन एआईसीसी में ठीक उस समय हो रहा है जब मंत्री जहीदा खान भंवर जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर रही थी। कार्यकर्ता जहीदा खान को टिकट नहीं देने की मांग कर रहे हैं। वहीं ये भी देखा जा सकता है वायरल वीडियोज में कि कैसे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बाकायदा नारेबाजी कर रहे हैं कि जहीदा हटाओ कांग्रेस बचाओ। तो इस तरीके की नारेबाजी देखने को मिल रही है। आपस में ही कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं प्रत्याशियों को लेकर के संतुष्ट नहीं हैं और जिस तरीके से जहीदा खान के खिलाफ नारेबाजी देखी जा रही है उससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आलाकमान के फैसले से खुश नहीं हैं। और हालांकि अभी कांग्रेस की ओर से फाइनल टिकट सामने नहीं आया है, लिस्ट नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद जो सुगबुगाहट है राजनीतिक गलियारों में कि आखिर कौन कौन से प्रत्याशी कांग्रेस जो है राजस्थान चुनाव में उतार सकती है, तो ऐसे में लगातार कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं में ये विरोध देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस भी अक्टूबर के पहले सप्ताह तक अपनी सूची जारी करने का दावा कर रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी तक नहीं कर पाई है। इस दौरान तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। इससे साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर कांग्रेस कब तक अपनी लिस्ट जारी करेगी। उधर कांग्रेस बड़े स्तर पर विधायक और मंत्रियों की टिकट काटने की जुगत में लगी हुई है। इस बीच सचिन पायलट ने केसी वेणुगोपाल के साथ दिल्ली में मुलाकात की है। इस बैठक को लेकर के कांग्रेस की सियासत में चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने टिकट चयन के दौरान युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर के पेंच फंसा दिया है। इसके कारण कांग्रेस की लिस्ट में देरी हो रही है। बता दें दरअसल सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार बचाने वाले विधायकों के टिकट काटने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सर्व रिपोर्ट विधायकों के खिलाफ जारी है। ऐसी स्थिति में विधायकों के टिकट काटना बड़ी चुनौती है। राजस्थान में इस बार का चुनाव बेहद रोचक माना जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सिटिंग विधायकों के खूब टिकट कटेंगे, नए चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा, कांग्रेस पार्टी भी अक्टूबर के महीने के अंत तक सभी का नाम फाइनल कर देगी ऐसा कहा जा रहा है। और अभी तक 100 से 115 नाम फाइनल हो चुके हैं जिसमें ज्यादातर पिछले चुनाव वाले ही प्रत्याशी हैं। इसी के साथ ही अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें जो कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने सी वोटर सर्वे के अकॉर्डिंग कही थी और इसमें 5 राज्यों के जो लिस्ट है वो सामने आई थी ओपिनियन पोल के आधार पर। और अगर हम स्पेशली राजस्थान की बात करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान की कुल 200 सीटों में से सबसे ज्यादा 127 से 137 सीटें बीजेपी के खाते में मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहां सत्ताधारी कांग्रेस को 59 से 69 सीटों तक सिमट सकती है। वहीं अगर हम अदर्स यानी कि अन्य के दलों की बात करें तो यहां पर 2 से 6 सीटें उन्हें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि इसे लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 राज्यों के चुनाव तारीखों की घोषणा भी कर दी है और राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। लेकिन अभी तक कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आखिर मैदान में कौन से प्रत्याशियों को उतारना है। उधर गुटबाजी की चर्चाएं भी जोरों से आ रही है कि सचिन पायलट चाहते हैं कि युवाओं और महिलाओं को ज्यादा भागीदारी मिले, यानी कि अशोक गहलोत के जो लोग हैं, जो उनके गुट के लोग हैं, उनके टिकट कटने के आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं, पुराने नेता हैं, उनके टिकट को बरकरार रखा जाए, उनके टिकट्स को ना काटा जाए। तो इसको लेकर के भी
तक पार्टी में पेच फंसा हुआ है और बकायदा जिस तरीके से स्क्रीनिंग की जो बैठक है इसमें कांग्रेस ये डिसाइड करेगी, इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के मंथन करेगी और फाइनली ये देखना होगा कि कौन कौन से प्रत्याशियों को फाइनली फिर ये लिस्ट जब सामने आएगी तब पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कौन कौन से प्रत्याशियों को मैदान में इस विधानसभा चुनाव के लिए खड़े कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।